ये तस्वीरें ठाणे के विवियाना सिनेमा हॉल की है, जहां सोमवार की रात एनसीपी पार्टी के विधायक जितेंद्र भाट अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और सिनेमा हॉल में चल रहे फिल्म हर हर महादेव के शो को रुकवा दिया। इस दौरान एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता फिल्म देखने वाले एक दर्शक के साथ उलझ गए और मारपीट भी कर ली, लेकिन मौके पर मौजूद जितेंद्र अवार्ड ने हालात को संभाल लिया। क्या दर्शकों के साथ में हंगामा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, दर्शकों के साथ हंगामा हुआ ये निष्काम आरोप मत करो, एक आदमी से विवाद हुआ ये सच है। वो क्यों हुआ शायद आप भी जानते, बाकी ये हमको नामंजूर है जो दिखाया जा रहा है। ये शिवाजी महाराज का इतिहास ही नहीं है, जो इतिहास है ही नहीं, जो इतिहास कभी सुना ही नहीं किसी ने, वो अगर आप दिखाओगे तो हम तो पहले दिन से शिवाजी महाराज के इतिहास का विकृतीकरण करने के खिलाफ है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वही हर हर महादेव फिल्म के शो बंद करवाने की खबर जैसे ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं को लगी, मौके पर अविनाश जाधव भी पहुंच गए। सिनेमा हॉल पहुंचने के बाद अविनाश जाधव ने दोबारा फिल्म के शो को चालू कराया। वही इनका कहना है कि अगर किसी को लगता है कि इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ किया गया है तो वो कोर्ट जा सकता है। क्या वजह थी यहाँ आने की? वजह ये थी महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर है, हरार महादेव मूवी बंद किया है और रात को 10:30 बजे आए, यहाँ के जो प्रेक्षक थे प्रेक्षक उनको मारा गया है और मूवी बंद की गई है। उनको अगर आक्षेप था तो कोर्ट में जाने चाहिए थे ना, और उनको 8 दिन के बाद ऐसा लगा कि ये मूवी में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इतिहास की बात करते हुए आप यहाँ राजनीति नहीं, हम प्रेक्षक लोगों के साथ खड़े हैं, मराठी फिल्म इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं। अगर आपको कोई भी अड़चन थी तो 8 दिन पहले बताना, 8 दिन के बाद आपको क्यों याद आया इसमें इतिहास की छेड़छाड़ हुई। वही सोमवार की रात विवियाना सिनेमा हॉल में जिस तरह से हर हर महादेव फिल्म के शो को रोका गया, इस पूरे मामले को लेकर ठाणे के वर्तक नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत एनसीपी पार्टी के विधायक जितेंद्र अवहट और करीब 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में दर्ज करवाई गई है।